नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत दर्शन न्यूज। छपरा जिले के माजी प्रखंड के भलुआ बुजुर्ग पंचायत से दीपक मिश्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में चाहे कुछ विकास के कार्य कम हुए हों, परंतु सड़क की बात करें, जल नल योजना की बात करें या कोरोना पीरियड की बात करें, हर संभव ग्रामीणों तक सहायता राशि पहुंचाई गई है। निःशुल्क गाड़ियों के द्वारा भी उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए उनको भरपूर इस बार सहयोग भी मिल रहा है। माझी से राजीव सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मिश्रा मेरा नाम। कौन पंचायत? भलुआ बुजुर्ग पंचायत से मैं मुखिया पद के प्रत्याशी हूँ। मनरेगा में आप मुखिया जी, हम कल गए हुए थे आपके यहाँ, मनरेगा में कुछ काम ही नहीं हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? मैं मनरेगा से काम अभी नहीं हुआ है, 2 साल 2.5 साल से काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा वृक्षारोपण का काम हुआ है, वो भी कुछ निजी क्षेत्र में हुआ है। आप सड़क कितना बनाए हैं अभी तक? पीसीसी लगभग 7,000-8,000 फुट बना है। इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना कितना लाभांवित दिया है? मेरे हम लोग के मेरे पापा जी 2016 से मुखिया हैं, उस रीजन में तो जो लिस्ट बना है अभी तैयार, जो कि अक्टूबर में संभवतः उसका पेमेंट होगा लोगों को। पूर्व में जो मुखिया थे उनके हिसाब से जो बना था 88 आदमी का, और फिर और कुछ में टोटल 116 आदमी का हुआ। 116 आदमी का भुगतान हो गया है क्या? हाँ, हो गया। हर घर नल योजना के विषय में ऐसा सुनने में कल आया कि 14 वार्ड है, जो 14 में 12 ही वार्ड में पानी सप्लाई है और 2 वार्ड में मने थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसमें, एक का आज पानी वहाँ पानी चालू हो गया है एक में, और एक जगह जो प्रॉब्लम है वो भी चल रहा है पानी के चलते थोड़ा सा। जीत के बाद मुखिया जी आप जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जीत के बाद बस एक ही है, जो पहले से हम जैसे थे, लोगों के इज्जत मान सम्मान और विकास के लिए वैसे भी आगे रहेंगे। लोगों को इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगा, विकास में कोई कमी नहीं होगा। विकास में हम लोग से जब हम लोग के परिवार से जब मुखिया मेरे पापा जी थे, उस समय जो विकास हुआ है, विगत 25 साल में ना के बराबर विकास हुआ था।